ना तो उम्मीदवार है, ना कोई नीतियाँ बची है, ना नेतृत्व बचा है। नेतृत्वहीन, दिशा विहीन, ऐसा जो है आज हमें विपक्ष मिला है। और मोदी जी कहते हैं भाई कुछ तो दिशा ठीक करो अपनी, कुछ तो लोगों की भलाई के लिए सोचो। कैंपेन तो क्या करना होता है, सबसे मिलना जुलना होता है। मैं तो इनके बीच में विकास कार्य बहुत हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, हम जब थे तब भी हमने भी कोशिश करी। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या कहेंगे, और आप भी उस पार्टी में रहे थे, किस तरीके की पार्टी में खींचातानी थी? मैं क्या कहूँगा, अन्ना हजारे जी ने कह दिया, संतोष हेगड़े ने कह दिया, कुमार विश्वास ने कह दिया, शाजिया इल्मी में कह दिया, योगेंद्र यादव ने कहा या नहीं कहा वो सबको पता है, प्रोफेसर आनंद कुमार ने, जो भी उनके परम सहयोगी रहे वो सब ये कहते हैं कि अपने कर्मों की सजाएं भुगत रहे हैं। कमल का जो फूल है वो चारों तरफ वही खिलने वाला है, 4 जून को 400 पार हो जाएगा और बाकी का तो आप जानते हैं। होली का पावन त्यौहार है, डेरा में भी एम ए जी गुरु मंत्र भंडारा मनाया गया, क्या है? बिल्कुल जी, आज सबसे पहले तो मैं पूरे देश और दुनिया में जो हमारे भारतवासी रहते हैं, इस हरियाणा में रहते हैं, सिरसा वाले हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ होली के इस पावन पवित्र त्यौहार की। और ये तो रंगों का त्यौहार है, मैं भी रंगों में लोगों ने जो है रंग दिया हूँ। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में, हर भारतवासी और दुनिया में इस त्यौहार को मानने वाले के जीवन में खुशियाँ आए, समृद्धि आए, प्यार प्रेम भाईचारा बढ़े, हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए इस देश को विकसित भारत बनाए, वो संकल्प लेकर के हम सब लोग लगे हुए हैं। और आज इस मौके पे मेरा सच्चा सौदा सिरसा में MSG गुरु मंत्र भंडारा वो भी हो रहा था, हमने प्रवचन भी सुने गुरु महाराज जी के, पिताजी के, और भोजन भंडारा भी लिया, लोगों से मिले भी, पूरी संगत आई हुई है आज दूर दूर से। और यही हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से डेरे की संगत आगे खूब, जो हमारा मानवता भलाई का पाठ पढ़ाया है, लोगों की सेवा का पढ़ाया है, पर्यावरण को बचाने का पढ़ाया है गुरुजी ने, उसके ऊपर चलते रहें और खूब लोगों की सेवा करें, जैसे 1948 से लेकर के आज तक ये डेरा करता रहा है। तो बहुत बहुत सबको बधाई, शुभकामनाएं, और ऊपर वाला सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए। इलेक्शन सर पीक पे आ चुका है, कैसी कैंपेन चल? कैंपेन तो क्या करना होता है, सबसे मिलना जुलना होता है। मैं तो इनके बीच में आज 15 साल तो लगातार ये हो गए, और बाकी भी राजनीति में 30 साल हो गए, 30 साल से लिए लोगों के लिए संघर्ष करने में लगे हुए हैं। और एक ही लक्ष्य है कि भविष्य में हम किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छोटे छोटे दुकानदार, हमारा कर्मचारी वर्ग, इस देश का युवा, इस देश की महिलाएं, उनके सशक्तिकरण की लड़ाई लड़े। और विकास कार्य बहुत हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, हम जब थे तब भी हमने भी कोशिश करी, और आने वाला समय इस देश और दुनिया के लिए, इस भारतवर्ष के लिए वो स्वर्णिम बने, अच्छा उसमें हर तरीके से लोगों का भला हो, यही हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब तो कमल का जो फूल है वो चारों तरफ वही खिलने वाला है, 4 जून को 400 पार हो जाएगा और बाकी का तो आप जानते हैं, उम्मीदवारी मैदान में नहीं है। सर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या कहेंगे, और आप भी उस पार्टी में रहे थे, किस तरीके की पार्टी में खींचातानी थी? मैं क्या कहूँगा, अन्ना हजारे जी ने कह दिया, संतोष हेगड़े ने कह दिया, कुमार विश्वास ने कह दिया, शाजिया इल्मी में कह दिया, योगेंद्र यादव ने कहा या नहीं कहा वो सबको पता है, प्रोफेसर आनंद कुमार ने, जो भी उनके परम सहयोगी रहे वो सब ये कहते हैं कि अपने कर्मों की सजाएं भुगत रहे हैं। और जो व्यक्ति न्यायपालिका में जिसका विश्वास ना हो, जो ED के 8-8, 7-7 नोटिस आ जाएँ उसका जवाब ना दे, उसके बारे में मैं क्या कहूँगा।
तंवर साहब, बीजेपी ने सारी 10 की 10 सीटें ऐलान कर दी है, कांग्रेस ने अभी तक एक भी सीट लानी है, क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास ना तो उम्मीदवार है, ना कोई नीतियां बची है, ना नेतृत्व बचा है। नेतृत्वहीन, दिशा विहीन, ऐसा जो है आज हमें विपक्ष मिला है। और मोदी जी कहते हैं भाई कुछ तो दिशा ठीक करो अपनी, कुछ तो लोगों की भलाई के लिए सोचो। तो ऐसे में जो है मुझे नहीं लगता कि जो इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार उतरेंगे भी, पता नहीं उतरे ना उतरे, हो सकता कुछ और ही मामला हो, लेकिन अगर उतरेंगे भी तो उनकी जमानतें जब हरियाणा में होंगी। हरियाणा में हर सांसद भारतीय जनता पार्टी का वो 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच मार्जिन से जीत करके इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेगा और फिर दोबारा हम हरियाणा और इस देश के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, सिरसा को आगे लेकर के आएंगे। एक आखिरी सवाल है सर, तूफानी दौरे कर रहे हैं पूरे 9 विधानसभाओं में, किस तरीके का समर्थन लोगों का मिल रहा है आपको? समर्थन बहुत ज़बरदस्त है हर तरफ, और लोगों को एहसास हुआ है कि हमने अपने समय में जिस शिद्दत के साथ काम किया, एक परिवार समझ करके पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए काम किया, हर गांव में ग्रांट दी, हर लोगों के सुख दुख में पहुंचे, तो उसका असर है। ये वही लोग हैं जो मैं समझता हूं कि पहले से कई गुना प्यार और विश्वास जता करके एक बार फिर मुझे मौका दें। तो ये थे डॉक्टर अशोक तंवर, सिरसा से पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इनसे हमने बातचीत करी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करें।